जगह बदलने से आपका व्यवहार नहीं बदल जाता, पहले ये सुना था और आज इसका साक्षात उदाहरण भी देख लिया। हमारे माननीय सम्माननीय सांसद महोदय संसद में गाली गलौज करते सुने। दुख इस बात का है कि अभी तो संसद नई नहीं है, कुछ दिन तो पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कर लेते प्रभु। लेकिन भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी से रहा नहीं गया और वो सड़क छाप भाषा पर उतर आए। माननीय सांसद जी भाषण दे रहे, बीच में बसपा के एक सांसद ने टोक दिया। फिर क्या था, सांसद महोदय से बर्दाश्त नहीं हुआ, पवित्र संसद में अपवित्र शब्दों की बारिश कर। दुख इस बात का भी है कि जब रमेश बिधूड़ी इन प्यारे शब्दों के इस्तेमाल कर रहे थे, प्यारे समझ रहे हैं ना, हाँ, तो जब इन प्यारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बगल में बैठे भाजपा के वरिष्ठ सम्मानित नेता हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद मुस्कुरा रहे थे। देखिए, उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशली जी, प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, बिधूड़ी है, बिधूड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ। या कह लीजिए कि हंस रहे थे, तस्वीर देखकर तो यही लगता है। बिधूड़ी का बयान सुनकर कुछ लोगों ने मजे लिए तो कुछ लोगों ने अपना माथा पीट लिया। पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता लोकतंत्र के जिस मंदिर की बात करते हैं, उसी मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर उन्हीं की पार्टी का एक नेता इस तरह के अलोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। बिधूड़ी ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लजा गए। संसद में खड़े होकर उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांगी। इस बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए, चेतावनी दी, उनके द्वारा कही गई बात को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। फिर भी खुद पर एक सवाल उठा गया। विपक्ष ने पूछ लिया कि बात बात पर हमारे सांसदों को सस्पेंड करने वाले स्पीकर महोदय जी, अपनी पार्टी के सांसद को चेतावनी देकर आपने छोड़ दिया। विपक्ष एक और बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि यही बात हमारी पार्टी के किसी नेता ने कही होती तो क्या उसे भी चेतावनी देकर आप छोड़ देते। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उसने अपने ट्विटर हैंडल, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उस पर पोस्ट किया, पीएम मोदी के आपने सांसद रमेश बिधूड़ी का यह बयान सुना, वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। आम आदमी पार्टी ने लिख दिया कि भाजपा तो किसकी पार्टी है, खुद देख लीजिए। खैर, जाते जाते आपको एक गाना सुनाते हैं जिसे एक मेरे साथी कुछ देर पहले गुनगुना रहे थे, उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया, सुनिए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। जी हाँ, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो माननीय सांसद महोदय, आपके बोल जग में कब तक याद किए जाएंगे कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, लोकसभा 2024 तक आपको विपक्षी पार्टियां खूब याद करेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर, इस प्यारे बोल पर आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर बताइए और तमाम देश के लिए देखते रहिए।